"قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا" بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من मिनल والناس. हजरीन ग्रामी जादू और जन्नाथ की हकीक़त और उनका इलाज के ताल्लुक से बात चल रही है गुजश्त दरूस में हमने ये मालूम किए कि जिन्नात, शयातिन इंसान के जिसम में किस तरह से दाखिल होते हैं इसके मुख्तलिफ तरीक़े हमने दो दुरूस में मालूम किए सबका खुलासा ये है कि शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है उसकी दुश्मनी शुरू से आज तक चली आ रही है और क़्यामत तक चलती रहेगी कोई शैतान किसी इंसान की मदद नहीं करता उस वक्त तक जब तक कि उसको काफिर मुशरक़ ना बनाए और ये दुश्मनी निभाने के लिए उसकी तहरीक है उसका मिशन है कि इंसान को हर एतबार से गुमराह करो और शिरक में मुबला करो जैसे कि उसने अल्लाह के पास से ये कह के आया है कि मैं आदम की औलाद के दाएं से बाएं से सामने से पीछे से हर तरफ़ से आऊँगा और इनको गुमराह करूंगा और इनमें से अक्सर को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा तो इंसान की पैदाइश से लेकर मरते दम तक लगा रहता है और हमने मालूम किए कि मर पैदाइश के वक्त बच्चे को चुबोता है कचोका लगाता है फिर उसके बाद खाते वक्त आता है सोते वक्त आता है घर में दाखिल वक्त वक्त आता है नमाज़ में आता है दिल में वसवसा डालता है मियाँ बीवी आपस में मिले उस वक्त भी आता है यहाँ तक कि मौत के वक्त में भी आता है इसीलिए पैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ थी अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि शैतान अत शैतान इंदल मौत मौत के वक्त शैतान कहीं मुझ पे हावी ना हो जाए शैतान कहीं मुझको खपती ना बना दे शैतान अपने कंट्रोल में ना कर लें मौत के वक्त में तो पैदाइश से लेकर जिंदगी भर यहाँ तक कि मौत के वक्त तक भी शैतान लगा रहता है इसीलिए देखिए मैं आपको दो वाक़ बताता हूँ सही हदीस की रोशनी में कि शैतान किस तरह से मौत के वक्त भी गुमराह करता है ये कि के चचा अबू तालिब दोनों से बुखारी के हदीस हैं अबू तालिब ज़िंदगी भर नबी का साथ दिए साथ निभाए बहुत चाहते थे मौत के वक्त में अल्लाह के रसूल पहुंचते हैं और कहते हैं कि चचा जान कलीमा पढ़ लीजिए तोद का इकरार कर लीजिए तो ही मैं आपकी सिफारिश कर पाऊंगा तोहैद का इकरार नहीं करोगे तो नहीं कर सकता शैतान उस मौके पर उसको उनको बहकाया नल जन्नत वन्नासरस मैंने शुरू में पढ़ी कि वो शैतान जो खन्नास है खन्नास का मतलब होता है कि पीछे से वार करना पीछे से वार करना सामने छुप कर रहना पीछे से वार करना है वसवसा डालना गलतफहमी फैलाना दिल में वसवसा डाल के गुमराह करता है और ये शैतान का पहला हरवा होता है कि शैतान सबसे पहले दिल में वसवसा डाल के गुमराह करता है आदम और हव्वाम को क्या किया है दिल में वसवसा डाल के गुमराह किया कि नहीं किया चुनाची आप देखेंगे कुरान अल्लाह ने फरमाया कि आदम और हव् दोनों थे जन्नत में स वसल शैतान शैतान ने दोनों के दिल में वस वसा डाला तुम फल खा लो फरिश्ते बन जाओगे कभी यहां से निकाले नहीं जाओगे झूठे मीठे वादे शैतान के झूठे और मीठे वादे होते हैं और मुख्तलिफ तरह के वस वसा देके गुमराह करता है तो यहां पर भी देखो इंसानी भेष में भी और शैतान भी आता है लेकिन अबू तालिब को दूसरे लोग बहकाते रहे बहकाते रहे नहीं नहीं, कबूल नहीं करना आखिरकार उनके जबान से जो बात निकली है ला बल अला मिल्ल अब्दुल मुतलिब या नहीं नबी ने कहा कलिमा पढ़ो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अब्दुल मुत्तलिब के मिल्लत पर ही मर रहा हूं मौत के वक्त तक भी शैतान लगा रहा दूसरा वाकया ले लीजिए एक बच्चा प्यार नबी वसल्लम की खिदमत करता था और वो गैर मुस्लिम था पता चला कि बच्चा बीमार है और मौत के हालत में है मौत के कगार पे हैं हालत इंतजार में हैं वसल्लम उसके पास पहुंचते हैं पहुंचने के बाद वफात के वक्त उसको दावत देते हैं इस्लाम कबूल कर ले अल्लाह तुझे जन्नत जहन्नम से बचा लेगा जन्नत में दाखिल फरमाएगा बच्चा एक बार के रसुल को देख रहा था एक बार यानी जबान से ताकत नहीं बोलने की अपने वालिद को देख रहा था उसके वालिद ने इशारा किया कि अब अब यानी नबी की बात मान लो उस बच्चे ने कलीमा पढ़ा तोहद का इकरार किया इस्लाम में दाखिल हुआ उसके बाद कलीमा पढ़ने के बाद इंतकाल हो गया पैर नवी कहते हुए निकले अल्हमदल्ला उस अल्लाह का शिक्र है जिसने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया है को मौत के वक्त में यहां पर भी शैतान आया था लेकिन इसको हरा नहीं सका तो पैदाइश से लेकर मौत तक लगा रहता शैतान ये मैं आपको बता रहा हूं सलफे सालिन में से एक मोहदिस का एक वाकया है बहुत नेक और बहुत अच्छे वो मुहदस मुत्त की परिजगार मौत के वक्त में बहुत सारे वाण इसको और जो ऑथेंटिक किताबें हैं सलफ सालीन के उसमें ज़िक्र किए हैं मौत के वक्त में लोग उसको कलीमे की तलकिन कर रहे थे उनको कलीमे की तलकिन कर रहे थे कि ला इला ला। तो वो ला 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 कह रहे थे सब तज्जुब कर रहे थे क्या बात है इतने बड़े महद्दस नेक मुतकी परिसगार मौत के वक्त में कलीमे की तलकिन की जा रही है ला ला कह रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद वो होश में आए हरती इतजार से बाहर आए बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जो लाला ला कह रहा था असल में करीमा ला इला ला ला के वास्ते नहीं शैतान मुझे बहका रहा था शैतान इस वक्त आके मुझे बहका रहा था तो मैं शैतान के बहकावों को लाला ला ला कर रहा था तुम्हारे ला इला ला ला पर नहीं तो देखिए शैतान कैसे लगा रहता है अब इस तरीके से शैतान का मिशन है उसकी तहरीक है कि इंसान को काफिर और मुशरिक बनाओ काफिर और मुशरिक बनाओ और जिनसे कुफ्र और शिरक नहीं करवा सकता है उनको आपस में लड़ाओ आपस में इनको लड़ाओ शैतान क्या करता है इंसान को शिर्क को बिदात और खुराफा में मुबतला करके इबादत को बर्बाद करता है अगर वो नहीं करवा सका अच्छा किदा वाला है सब कुछ है ठीक ठाक है और इबादत के लिए आता है अब उसकी इबादतों को बर्बाद करने के लिए रियाकारी देता है रियाकारी दिखावा या नहीं तो इबादत का नशा और गुरूर दे दिलाता है बहुत इबादत कर लिया तू बड़ा मुतकी फरेजगार है ओ ऐसा है वो ऐसा है सब पे कमेंट करके अपने नेकियों को गवाता है गेबत और चुगलखोरी करके नेकियों को गवा लेता है तो शैतान देखो हर एतबार से इंसान को गुमराह करता है सलफ साल लिखते हैं अलहसन तो बैन सतन नेकी दो बुराइयों के दरमियान में है दो बुराइयों के दरमियान दो बुराइयों से गुजरने के बाद नेकी मिलेगी और शैतान ये दोनों हरबा आजमाता है एक है कि शैतान सबसे पहले सुस्ती और काहली में मुबतला करने की कोशिश करता है सुस्ती और काहली में मुबतला करने की कोशिश करता है इबादतों से और दीन से दूर करके कोशिश करता है अगर इसमें कामयाब नहीं हो सका तो अब इबादत गुजार हैं नेक के मुतब परिजगार हैं अब उसको भी गुमराह करने की कोशिश करता है वो कैसे या तो उसको इबादत करवाता है इबादत के नाम पे शिरक करवाता है सुन्नत के नाम पे बिदात करवाता है और वो समझता मैं तो नेकी का काम कर रहा हूं और अगर वो नहीं करवा सका तो रियाकारी, शिर्क, शिर बिदात खुराफा मुबतला करता है इन दो मरहलों से गुजर गए तो ही आपको नेकी मिलेगी अलहसनत बीना सई दो बुराइयों के दरमियान है अब शैतान हर एतार से इंसान के पीछे लगा है उसको गुमराह करने के लिए काफिर मुश्क बनाने के लिए यह तो हुआ शैतान के अज खुद दाखिल होना और एक होता है कि शैतान को दाखिल करवाया जाता है दाखिल करवाया जाता है इंसान के अंदर और उसके लिए जादूगर तंत्र मंत्र के जरिए से जिन्नात के सरदार को खुश करता है कुफर करके शिर करके खिलाफ शरीयत काम करके और वो क्या क्या काम हमने इससे पहले मालूम किए आठ तरीके हैं इन कुफरिया कामों को अंजाम देने के बाद जब जिन्नात का सरदार खुश होता है अब उसके बाद वो क्या कहता है चल ठीक है क्या चाहिए कहा कि मुझे जिन दे दो या दो चार जिन्नात दे दो जो मैं कहूंगा वो बात मानना है होता तो ठीक है तो उसके बाद क्या करता है इस जादूगर के पास कोई इंसान जाता है फुला पे जादू कराओ मैं पैसा दूंगा फुला को तकलीफ दिलाओ मैं पैसा दूंगा उससे इंतकाम दिलाओ मैं पैसा दूंगा अब ये जादूगर क्या करता है उस जिन को कहता है कि तू जा फुला आदमी के पास जा अब उसको कैसे मालूम होगा भेजता के फुला जगह पर है नहीं तो उसके जिस्म के कोई चीज लाता है उसके पसीने की बू हो जिस्म के कुछ जर्रात हो कहता कि जा इसको ढूंढ के लेके जा और उसके पास जाके उसको तकलीफ दे अभी आता है आने के बाद उसको तकलीफ देना शुरू करता है यहां तक उसके अंदर भी घुस जाने की कोशिश करता है आते ही देखता अगर यह मोमिन नहीं है मुत्तकी नहीं है नमाजों के पाबंद नहीं है दुआ पा, के पाबंद नहीं है घरों में तस्वीरें रखा है म्यूजिक है गाने और टीवी के सीरियल म्यूजिक सब चल रही है फौरन दाखिल हो जाता है जल्दी हमला कर देता है और अगर आदमी मुत्त है परेजगार है दीनदार है सोमो सलाद के पाबंद है जिक्र के केतमाम करता है घरों में कोई खिलाफ शरीयत कुछ काम नहीं है अब क्या करता है दूर दूर से डराता है इसको, करीब नहीं आ सकता इन न कई दैतान इका न दीफा मोमिन के मुकाबले में शैतान बहुत कमज़ोर हैं ईमान के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हैं और मैंने इससे पहले वो दरख्त काटने की मिसाल में बताया जब तो ईमान के साथ जा रहा था दरख्त काटने के लिए उसको नहीं मार सका शैतान लेकिन जब ईमान निकल गया लालच के लिए गया शैतान उसको मार दिया ईमान और ताकत हो तो ईमान के बुनियाद पर शैतान उतना ही भागता है हजरत उमर को देख के शैतान रास्ता बदल देता था भाग जाता था जिस रास्ते से हजरत उमर गुजरे हैं शैतान उस रास्ते पर जाया नहीं करता था ये ईमानी ताकत और कुत की अलामत है जितना ज्यादा ईमान होगा जितना तवक्ल होगा उतना ज्यादा शैतान मोमिन से भागता है और जैसे जैसे ईमान कम होता शैतान करीब आता है अब क्या करता है ऐसे मोमिनों को दूर से डराता है कभी ख्वाब में परेशान करता है कभी दूर से डराने की कोशिश करता है या जो बंदिश किया उस बंदिश के जरिए से उसको परेशान करता है अगर वो डर गया उसको ऊपर हावी हो जाता है डर गया तो हावी हो जाता है अगर वो नहीं डरा डट के मुकाबला किया दुआओं के एहतमाम किया है और दुआ पढ़ता रहा अस्कार करता रहा तिलावत करता रहा वो आखिरकार कमजोर होते 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 भाग जाएगा भाग जाएगा तो ये होता है कि शैतान को इंसान के अंदर दाखिल करवाना जबरदस्ती वो पीछे लगा रहता, कब मौका मिले कब मौका मिले जाके मैं करता रहूं फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ और आप पर जादू जब आप मदीना तशरीफ लाए तभी से शुरू हो गया था जादू करने का काम लेकिन जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो होम भी, ही दिनिल्ला भी दिनिल्ला। जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो जादूगर अपनी मर्जी से जो चाहे जैसा चाहे जब चाहे नहीं कर सकता लेकिन अल्लाह की मर्जी कभी हो जाए अल्लाह की आजमाइश तो असर हो सकता है आप वसल्लम पर जादू का असर नौ साल के बाद हुआ नौ साल के बाद हुआ मुसलसल मक्के मदीने में आप दस साल रहे हैं ना आते ही फौरन चंद दिनों के बाद दो चार छह महीने के बाद शुरू कर दिया और यह सिलसिला चलता रहा चलता रहा आपकी वफास से वे सात महीने आप पर जादू का असर हो गया नौ साल के बाद अल्लाह की मर्जी से असर हुआ अब यह क्या है बाकायदा जिन्नात को दाखिल किया गया आपको परेशान करने के लिए आप कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सीने में पत्थर रख दिया गया है मुझे इतनी घुटन होती थी जिसमें बोझल है सुस्ती काहिली मैं आगे इनशाला बताऊंगा कि अगर शहर हो जाए तो जादू के असर हो जाए तो कैसे कैसे उससे अलामतें क्या क्या हैं और फिर उसका इलाज क्या है तोड़ क्या है इन शाम मैं अर्ज़ करूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भूल जाते थे भूल जाया करते थे लेकिन शरीयत के बारे में कोई चीज़ भूले नहीं तकरीबन कुरान नाजिल हो चुका था शरीयत नाजिल हो चुकी थी हाँ अभी कह सकते न भी तो भूल गए थे पता नहीं हो सकता दो चार आयत भूल गए नहीं।, नहीं कुछ लोग एतराज़ करते हैं हाँ मुस्तिन बोल के लोग हैं जिनको कहते हैं, यानी जो बाकायदा उनका काम है सिर्फ इस्लाम के खिलाफ शोषा निकालना ढूंढना उन्होंने कहा यह बाकायदा जब नबी चार जादू हुआ जादू होने के बाद भूल गए तो शरीयत में बहुत सारी चीजें भूल गए, होंगे कैसे ऑथेंटिक बोल सकते हो कुरान हदीस हाँ शरीयत मुकम्मल हो चुकी थी और अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है इन्ना अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिक्र को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं तो ये हुआ कि जिन्नात को जा इंसान के अंदर जा दाखिल करवाना जबरदस्ती करवाया जाता है और वो भी जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो अपने अपने तय वो दाखिल नहीं हो सकता है दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक हमें और आपको जादू जिन्नात के असरात से महफूज रखे आमीन सुभानकल्लाहु हमदिक अशदु वला इलाह इल्ला अंत अस्तगफुरुक तो व इलायिका सल्लल्ला नबीना